हेलो हाय गाइस, वेलकम टू एस प्रैंक। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए ड्यूक 200, जिसमें कि कुछ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारी वर्कशॉप पहुंचने से पहले ये गए थे कंपनी और कंपनी में जाके इन्होंने गाड़ी अपनी चेक कराई। तो कंपनी में क्या हुआ, जो उनका टेक्नीशियन होता है उसने या एडवाइज़र जो होते हैं कंपनी के बाहर, तो उन्होंने चेक किया और बताया गाड़ी स्टार्ट करी, बस रेस दी और मिसिंग कर रही थी रेस। एक जो RPM होता है वो नहीं आ रहा था, रुक रुक के RPM आ रहा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसका फ्यूल पंप चेंज होगा और हो सकता है बैटरी भी चेंज हो जाए, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो इनका एक लंबा चौड़ा बिल बन गया। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक बार मैं अपने दोस्त से किसी से बात करके देखता हूँ। तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से बात की और जो कि हमारे पास बाइक अपनी सर्विस कराते हैं, तो उन्होंने हमारा नंबर उनको दिया और वो हमारे पास आए हैं और हम उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप देखोगे कि वीडियो में कि स्टेप बाई स्टेप कैसे चेक किया जाता है, कोई तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी के अंदर प्रॉपर बंदा आए और वो गाड़ी छोड़ के चले गए हमारे पास, हम प्रॉपर अपने तरीके से काम करेंगे। कंपनी ने क्या किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने तरीके से काम करेंगे, प्रॉपर चेक करके काम करेंगे। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करोगे तो मेरे शॉप से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसे आप क्लिक करके सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो। नहीं दोस्तों वीडियो में, तो आइए देखते हैं वीडियो। तो ये देख सकते हो, तो ये है बाइक, इस समय ड्यूक 200 और मैंने इसकी सीट खोल चुका हूँ, टंकी भी खोल चुके हैं और इसमें जो बाकी मैं बाइक खोल चुका हूँ। मैं सोचा क्यों ना आपसे ये वीडियो शेयर करी जाए, भाई बहुत दूर से आया हमारे पास, तो मैं सोचा क्यों ना ये ब्लॉग बनाया जाए और जो हमारे कस्टमर है जो ये बाइक लेके आए हैं हमारे पास उनको भी इसकी वीडियो भेज दी जाए, ताकि उन्हें पता लगे कि बाइक में उनके क्या ख़राब, कंपनी वाला पंप ख़राब है तो क्यों हम भी चेक करते हैं पंप वाकई में ख़राब है या नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने इसका टैंक कवर निकाल दिया है, जो ये हमारा टूल है, तो इसके चेक करते हैं फुल पंप और फुल पंप आपको चेक करके दिखाते हैं। हाँ, तो जैसे देख सकते हो ये अपना पंप यहाँ से लग चुका है, ये सॉकेट लग चुका है और कितना प्रेशर आना चाहिए। तो अभी अपनी चाबी ऑन हो चुकी है और देखते हो 20 का आसपास है। अब करते हैं बाइक को स्टार्ट, तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखो सेल मारने में ना बाइक स्टार्ट हो ही, बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी दूसरी लेके करते हैं बाइक को स्टार्ट और दिखाते हैं हमको पंप का प्रेशर। तो अभी हमने दूसरी बैटरी बाइक की खोल ली, उसको करते हैं टोचन, बाइक बैटरी टच हो गई है। अब मारते हैं बाइक में सेल्फ और करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हो बाइक अपनी स्टार्ट होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा पंप का प्रेशर। तो देख सकते हो पंप का प्रेशर एकदम बढ़िया 2.5 के आसपास है, ये कितना आ रहा 30 के आसपास, जो कि 2.5 होना चाहिए, परफेक्ट पंप का प्रेशर काम कर रहा है। गिर रही रेस ना आपकी, रेस देने में कोई डाउन नहीं हो रहा, बढ़िया काम कर रहा है। तो जो हमारा पंप का प्रेशर है वो एकदम ओके है। तो आपको मैंने अपना पंप का प्रेशर चेक करवा दिया, पंप का प्रेशर एकदम ओके है। जो अब बताया बैटरी भी हो सकती है, तो उनके उन्होंने जो बताया उसको हम चेक करेंगे, क्या वो कंपनी एकदम सही कह रही थी ये गलत। तो उन्होंने पहला जो रिजल्ट निकला पंप का वो तो एकदम गलत था, मतलब यार बेखांती लूट रहे हो, इतना मेहनत का पैसा बेखांती वेस्ट जा रहा है आपका और वो बेखांती लूटने में लगे हो। तो कंपनी वालों को यार इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम उसकी नहीं करेंगे, हम अपना काम देखेंगे। तो हमारा पंप का प्रेशर चेक हो गया, अब करते हैं बैटरी, अभी 11.48 है, बैटरी डाउन है और मारते हैं सेल्फ। देख सकते हो सेल मार में बैटरी 9 पे जा रही है और बैटरी चार्जिंग काम कर रहा है। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे कंपनी बताया वो सब लूटने वाले काम थे, ऐसा कुछ भी नहीं निकला, ना तो फुल पंप ना बैटरी। तो अब हम अपने तरीके से काम करेंगे, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं टैंक को बाहर। अगर आपकी बाइक में बाइक चलाते समय मिसिंग मार रही है, जैसे कि पेट्रोल में पानी है या पेट्रोल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है भाई कि फ्यूल पंप ही ख़राब होगा। अब हम खोलेंगे इसका स्पार्क प्लग, जो कि स्पार्क प्लग होता है इसका यहाँ पर। तो अभी हमने स्पार्क प्लग इसका बाहर निकाल चुके हैं, तो ये इसका स्पार्क प्लग है, इसमें यहाँ पर करेक्टपन आ गया। तो इससे क्या होता है, आपका जो बाइक का जो करंट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, साइड में फेंकने लगता है, यहाँ से भी स्पार्क यहाँ होने लगता है, जिससे शॉर्ट होने लगता है प्लग और बार बार गाड़ी मिसिंग मारती है और बार बार गाड़ी बंद हो जाती है। बंद होने का फिर बाइक स्टार्ट भी नहीं होती, थोड़ा लंबा सेल लेती है, कभी कभी तो बैटरी भी डाउन हो जाती है, इतना लंबा सेल लेती है। अगर आपकी बाइक स्टार्ट हो भी जाए तो वो कुछ किलोमीटर चलती है, उसका मिसिंग मारते, मिसिंग कैसे मारते, जैसे कि आपकी
टंकी में पानी का पंप सिस्टम काम नहीं करा प्रॉपर, तो ये दिक्कत भी प्लग से आती है। लेकिन कंपनी ने क्या करा, इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिया। दोनों स्पार्क प्लग है, ये नया ये प्लान आ रहा है, तो इसमें आपको दिखा यहाँ पे करेक्ट वन आ रहा है और ये अपना नया प्लग है, तो इसको लगाते हैं बाइक में। हाँ दोस्तों, जैसे देख सकते हो अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, अभी हम आए हैं रोड पे राइड करने के लिए, क्योंकि बाइक तो हो चली है। बाइक करते हैं स्टार्ट और चाबी ऑन है, करते हैं स्टार्ट। देखो आप देखते हो बाइक कितनी आराम से स्टार्ट है, स्मूथली है। अब देखते हो फुल एक्सीलेटर है, बाइक एकदम परफेक्ट, एकदम ओके है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में नॉक एंड जरूर दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बने।